हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सुपर लिफ्ट के बारे में है। सुपर लिफ्ट आखिर होता क्या है? मीन्स सुपर लिफ्ट हमने काफ़ी टाइम सुना है लेकिन हमने कभी देखा नहीं है। जो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं भी पता है, काफ़ी लोगों को पता भी है, लेकिन पता है उसका क्या मकसद है, उसको यूज़ करने का क्या पर्पस है, उसमें हमें क्या फ़ायदा आ सकता है। तो मैं बहुत इजी तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूँगा और इस वीडियो के अंदर आपको छोटा छोटा एक वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊँगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। तो सुपर लिफ्ट होता है क्या है? जैसा आप इस वीडियो के अंदर अभी देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर, कि सुपर लिफ्ट हमें एक लिफ्टिंग करना था, एक हैवी लिफ्टिंग, जिसका रेडियस के ऊपर उसका कैपेसिटी उस क्रेन का नहीं बन रहा था। क्योंकि जो क्रेन का कैपेसिटी अगर नहीं बनता है तो हमें क्रेन को चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर अगर हमारे पास सुपर लिफ्ट होगा तो हम उसे अटैच करके हम एक लिफ्टिंग कर सकते हैं, एक 10 मीटर रेडियस के ऊपर जाकर और आगे जाकर हम उस लिफ्टिंग को कामयाबी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपने यही सब कुछ देख रहे हैं कि हम किस तरीके से सुपर लिफ्ट को अटैच कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसके ऊपर काउंटर वेट रख रहे हैं, किस तरीके से हम उस सुपर लिफ्ट को हम कैसे शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो सारा कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है, सारा कुछ इस तरीके से काम होता है। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर आप बहुत ज़्यादा कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि सुपर लिफ्ट होता क्या है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लोड चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर एक ज़ीरो है, तो मींस यहाँ पर विदाउट सुपर लिफ्ट का ये प्लान है। और उसके बाजू में जो देख रहे हैं आप, ये आपका यहाँ से सुपर लिफ्ट का कैपेसिटी चालू हो जाता है, जैसा आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये हुआ चार्ट। अगर आपको सुपर लिफ्ट के कैपेसिटी के बारे में जानना है तो आप कोई भी जो कॉलर क्रेन है, जो लफिंग, जो जिसके अंदर काफ़ी लंबा लफिंग जोड़ा होता है, सेम इस तरीके से अगर क्रेन आप कहीं देख रहे हैं तो उसके अंदर भी सुपर लिफ्ट को अटैच किया जा सकता है। तो सुपर लिफ्ट का काम यही होता है। आई होप इस वीडियो में आपने सुपर लिफ्ट के बारे में समझ गए कि सुपर लिफ्ट का आखिर काम क्या होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हमने किस तरीके से ये सुपर लिफ्ट का सेटअप पूरा किया। सेटअप करने के बाद हमने अपना लिफ्टिंग को स्टार्ट किया। आप इस वीडियो के अंदर देख भी रहे कि किस तरीके से हमने लिफ्टिंग को, जो मटेरियल को लिफ्ट करने के बाद होल्ड भी कर दिया है, उसके बाद फिर हम सुपर लिफ्ट अटैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो पर्पस होता है सुपर लिफ्ट को यूज़ करने का, वो हाई रेडियस, जैसे अभी हमें कैपेसिटी नहीं मिल रहा है उस रेडियस में, तो वहाँ पर हमें सुपर लिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इस सुपर लिफ्ट का जितना भी प्लान है आपको कोई भी कॉलर क्रेन के अंदर मिल जाएगा, एक हैंड बुक के अंदर, जो आपके क्रेन के अंदर हैंड बुक होता है उसके अंदर आपको मिल जाएगा सारा कुछ। उसके अंदर फ्लाई जिप के बारे में होगा, उसके अंदर कितने लेंथ पे कितना कैपेसिटी उठाएगा, विथ सुपर लिफ्ट के साथ कितना वो कैपेसिटी उठाएगा, तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर और इस तरीके से उस बुक के अंदर भी होगा। तो इस तरीके से बस छोटा सा आपको एक जानकारी देना था, एक छोटा सा आपको एक नॉलेज देना था, ताकि इस वीडियो के अंदर आप बहुत कुछ सीख पाए, क्योंकि एक छोटा सा हमें नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट बनाता है, काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्पफुल बनाता है। तो इस वीडियो को आप जितना बार देखेंगे आपको एक नई सोच, आपको एक नई नॉलेज मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पर।